तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है, कहाँ जा रहे हैं जीजू? पर्शियन दरबार। हाँ, पर्शियन दरबार। और मैं आपको बता दूं, मैं हूँ मुंबई में, फर्स्ट डे इन मुंबई। काफी मतलब मेरे को मोटिवेट करने के बाद मेरा दिन तो दूसरा तीसरा है। दूसरा, हाँ। इतना मोटिवेट करा हमारे जीजू ने कि ब्लॉग बनता है। तो जब ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, थोड़ी हिम्मत आई है, वरना शर्म आती है। यहाँ और कल बना तो हम कल रहे थे, लेकिन कल हमारी बहन जो थी वो मतलब नहा ही नहीं थी, रेडी नहीं हुई थी, तो इसीलिए हमने कल स्टार्ट नहीं करा। और आगे दीदी हो रहा है, मिलवाते हैं आपको। दीदी को भी दिखा, अभी हम जा रहे हैं खाने पीने, कुछ एंजॉय करने। तो आज का व्लॉग हमारा कल तक चलेगा। कल हमारा बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है, तो बहुत बड़ा। और किस चीज का ये सस्पेंस है? किस चीज का ये सस्पेंस रहने देते? हाँ, ये सस्पेंस रहेगा कि किस चीज का टूर्नामेंट है। और कल काफी नए लोगों से मिलवाएंगे आपको। ये तो है। अभी के लिए तो अभी हम जा रहे हैं डिनर पे, तो बने रहो। कार में जीजू ड्राइव कर रहे हैं और दीदी मुंह छुपा रही हैं। ये मना कर रही हैं कि पहले बताते, मैं भी तैयार हो जाती। और ये हमारी आंटी जी हैं। आंटी जी को तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी ऐसी अच्छी लगती है, क्योंकि ममता जी की बोल ममता बनर्जी। तो गाइस अभी उतर के मिलेंगे। हाँ, मन्नू तो है, मैं तो मिला ही था। मन्नू को तो सब जानते ही है। फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ हमें जाना है। दीदी लेकिन डिनर पे जा रही हैं, लेकिन वो डिनर करेंगी नहीं, घर से करके आई हैं डिनर। बस हमारे लिए जा रही हैं, हमारी खुशी के लिए। चलते हैं अंदर, वो अंदर लेके चलते हैं। ओके, शूज उतारने पड़ेंगे गाइस हमें पहले यहाँ बाहर। ये हमारा टेबल जो भी बैठने का। तो गाइस यहाँ की सिटिंग काफी अच्छी है और एम्बियंस भी, तो पूरी अरेबिक वाइब है। अब मानव सोने आया है, सोने और खाने। क्योंकि इसके एग्जाम्स खत्म हो गए, तो अब से ये यही करेगा। आंटी की बात सुनो। गाइस मन्नू सो गया है धमकी से। कोई डरता है, किसी की नींदें उड़ती हैं, ये सो गया। कि अगर 70 कितने मार्क्स थे? 75 से अगर नीचे आए तो फोन जाएगा। पहली मालूम है, नीचे आ रहे तो पहली सो रहा हूँ। अच्छा, नीचे ही आ रहे हैं तो पहले फोन भी दे दो। हर एग्जाम तो ये बोल रहा था कि बहुत अच्छे गए, सबके अच्छे जाते हैं, रिजल्ट में पता लगता है। तो कमेंट में पूछो जरा कितने मिलने चाहिए। हाँ, इसकी अगर शक्ल देख के बताओ कि कितने, आपको क्या लगता है कमेंट में कितने मार्क्स आए? शक्ल दिखाऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। आंटी ने बोल दिया तो खत्म। 100 में से 120 दे दे इसको। आंटी एक कहानी सुना रही है। तो हमारा फुप्पू का लड़की, वो बर्तन धो रहा था। अच्छा। तो जब भी ऐसा पानी में, तालाब में कोई बच्चा गिरता है ना, तो तभी पानी अंदर हिलता है। तो मेरा फुपाई तो बहन क्या बोला, जी बच्चा गिर गया होगा। अच्छा, पानी के अंदर पानी ऐसा हिल रहा है। उसके बाद जो भी पानी ऐसा आया, ऐसा चला गया। तो भी हम लोग, तो भी हमारा घर से हम लोग भाग रहा, सब लोग भाग रहे तालाब। अच्छा, अच्छा। तालाब में तो सच्ची बात है, लोग मस्ती समझता है। सच्ची लंदन से पानी आया था, बाढ़ उधर हुआ था, मतलब हर तालाब में वैसा पानी हिला था। अच्छा, मतलब लंदन में जो हुआ था कि लंदन में उसी दिन ना आया था भूकंप। अच्छा, तो जो भूकंप है ना, लंदन से होते 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 आंटी के गांव में, आंटी के तालाब में, कलकत्ता में। अच्छा, ऐसा ऐसा एक बार इधर हुआ आंटी, और एक बार इधर भी हुआ, ये दो बार हुआ। तो ये लंदन से आया भूकंप। अच्छा, लंदन से पानी आया। सही। गाइस आंटी की कहानी को रेटिंग्स देना सब।
और ये वाला उधर कर देता है ना, मतलब मुझे आंटी की तो समझ गई जो जीजे ने समझाई वो आई समझ। बहुत सच्ची कहानी है ये, सच्ची कहानी है। हाँ हाँ सच की कहानी, कुछ काल्पनिक नहीं है, कुछ काल्पनिक। तो करते हैं गाइस डिनर स्टार्ट। आपको मैं खबर ने आंटी ने रोजा में क्या क्या पी थी, प्राइम प्राइम। और उसमें क्या होता है बताओ? उसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, बहुत नहीं होता है, लेकिन मैंने लेकिन आंटी ने पी ली। आंटी ने कितना पिया बता दो, इतना सही इतनी सी। और इस लड़के ने पिलाई है, पियो इतना पियो, अल्कोहल तो अल्कोहल होता प्राइम भाई उसमें। और रोजा में अल्कोहल पीनी नहीं चाहिए, अल्कोहल ठीक है, अल्कोहल नहीं पिएंगे हम, ठीक है ठीक है ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल आया, हेलो हेलो एल देखो कोई चीज 1000 रुपए की आ रही है तो उसमें अल्कोहल होगी होगी, और पीने की चीज है तो आपको सोचना चाहिए। और उनको मालूम है पीने के बाद पसीना आ गया था, चक्कर आ रहे थे उनको, चक्कर नहीं आया। बोला आपने ऐसा सिर घूम रहा है, सिर में कुछ हो रहा है, पसीना आ गया आपने ये बोला, पसीना आ गया वो। अच्छा तो अब एक बात बताओ पसीना क्यों आएगा? अब ये कोक पी रही है अभी तो, अभी इसमें तो नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता ना आंटी। अब ये देखो ये 20-30 रुपए की है तो इसमें कुछ नहीं है, वो 1000 रुपए की है प्राइम, तो उसमें एक बार हो गया गलती, बार बार थोड़ी कर गया, एक बार हुआ लेकिन कौन से टाइम, लेकिन रोजे में किया ना आंटी ने, तौबा तौबा किया है, तौबा तौबा किया है, अरे नहीं आंटी वो एनर्जी ड्रिंक होती है, वैसा नहीं होता, कोई नहीं कोई नहीं आंटी, सैड हो जाएंगी पूरी कर दिया। गाइस आपने हनीमून मनाते हुए सबको देखा होगा, हनीमून खाते हुए पहली बार, खाते हुए पहली बार देखेंगे। तो इस डिश का नाम है डिजर्ट का हनीमून, हनीमून स्पेशल, हनीमून स्पेशल। ये मैं और जीजू खाएंगे, मैं और जीजू खाएंगे और मेरा और केशव का हनीमून स्पेशल मैं ही देखूंगा। और ये सब ये इसका खाने की इच्छा थी लेकिन ये 18 प्लस नहीं है, हाँ इन्हें खाना नहीं है, तो हनीमून स्पेशल सिर्फ मैं और जीजू ही खाएंगे, हनीमून स्पेशल सिर्फ मैं और जीजू ही खाएंगे। टूट गया, टूट गया टेस्ट तो करते हैं ट्राई, कैसा है हनीमून केशव? हम भी मैं भी ट्राई कर लूं शादी से पहले हनीमून। ये हाफ है सोंधी सोच, ये चीज फुल क्या मतलब क्या लोग भगोने में देंगे अंदर फूड तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया, मेरे को शादी नहीं करनी। नहीं जी हनीमून नहीं, करते हैं बाय परचंद दरबार को और चलते हैं घर की तरफ, पर्दा खोलते हुए। ये कुछ करते को बहुत ऊपर लग रहा होगा ना ये। तो गाइस हमने एक प्रैंक करा कशिका के साथ, उसका पर्स छुपा दिया हमने, और ये सीसीटीवी चेक करवा रही है कुछ। क्या तो लाई थी पर्स, ये लाई ही नहीं पर्स, ने भी नहीं बोला देखा आंटी, ये लाई थी पर्स, आंटी को तो सब याद रहता है, आंटी को तो सब याद रहता है, सही बोल रही है ना आंटी? क्या बोल रही है आंटी? बोल रहे पहले घर देखो, पहले गाड़ी देखो, पहले गाड़ी में देखो और कुछ नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे आके कैमरा देखो। पहली बात तो वो कैमरा दिखाएंगे नहीं क्योंकि बाहर पहले लिखा है कि अपना सामान खुद संभाल के। और पहली बात उसमें था क्या क्या? वाह वाह वाह, पर्स खो चुका है यहाँ पर्स, चल जो गया तो गया, अब तू यही यही दुआ कर कि किसी जरूरतमंद को ही मिले, वो तो गया ही है, वो तेरे पर्स में कम से कम ये सीधे सी बात है कि गाड़ी की चाबी लिए जाते कैसे, तुम मजाक ही कर रहे हो, खो गया हटाना, नया ले लियो, पर्स ही तो है, पर्स ही तो है, क्या क्या है, हीरे का डायमंड है। तो गाइस एक अपडेट मैं दे दूं, जो इसका पर्स खोया है उसमें इसके 5000 है कशिका के, अगर वो पर्स हमें मिलता है
तो ये 5,000 की ही हमें पार्टी पार्टी देगी पूरी पूरी। अगर देख ले अगर घर पे मिल गया तो ये तो रो रही ये तो रो पड़ी। चलो अब दे दो इसको, इसका पर्स दे दो। कहाँ से दूँ? कहाँ है ही नहीं। तो फिर मैं आइसक्रीम खाने और मुझे तो खानी ही है, इसको खानी थी तो इसके लिए स्पेशल हो गया आइसक्रीम के लिए। हम तो खाएंगे पान है ना जीजू, पान पान खाएंगे। ये वैसे कौन सा फ्लेवर खाती है? ये वैसे केसर पिस्ता खाती है, पर मैंने इसे बताया अपना फ्लेवर टेंडर कोकोनट, तो ट्राई करना आप भी, बहुत अच्छा है। कैसा है? मेरा फेवरेट है टेंडर कोकोनट। अभी आए हम पान खाने, ये यहाँ की फेमस दुकान है पान की। दीदी खाती है? सब पान खाते हैं, सब पान खाते हैं। तो किसी का तो मीठे पे मीठा ऐसे कैसे खा रही है? अभी आइसक्रीम खाई फिर वो अलग है ना, पान ज्यादा मीठा हो गया। ये मगही पान मुँह में, इस पान का नाम है मगही है ना, मगही पान। तो गाइस अभी हम आए थोड़ा बीच पे थोड़ा सा वॉक करने, ऐसे अकेली खड़ी है। अजीज डराएंगे, ये उधर देख सांप है उधर, किसी का सांप, किसी का जल्दी आ। तो गाइस हमारा मजाक 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 में भारी पड़ते हुए जो उसमें चेन और जो रिंग वगैरह थी कशिका की, वो मतलब वो मिल नहीं रही अब। पैसे तो मिल गए पर्स में, क्योंकि पर्स खुला हो सकता है, क्योंकि वो मिल नहीं रही चेन वगैरह। तो हम गाड़ी में देखने आए हैं थोड़ा, जीजू देख रहे हैं इधर। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। हाँ बाप रे, चेन मिली है, चेन तो मिल गई। और ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये लिपस्टिक भी खो गई थी और ये कान के भी इसी के इसके पास। और कुछ भाई फोन करके पूछ लो क्या क्या है, यही था, यही था। रिंग भी थी, रिंग नहीं थी, नहीं थी। तो गाइस एक मिनट, और चीजें हैं भाई इसके, और है मैं बोल, और चीजें हैं ये तो। तो हमें पता नहीं था कि चेन खुली है या नहीं, तो उससे सब भी है, सही बोल रही है, रिंग भी है, रिंग भी है, ये भी पता नहीं, एक और लिपस्टिक है शायद, और एक और चीज है कुछ है भाई। ये क्या क्या मिल रहा है? अच्छा ये सब हटा दो, ये मेन नहीं है, मेन ये है, ये हम ये ढूंढने आए थे। और कुछ भी देखो। तो गाइस मजाक भारी पड़ चुका था, कशी का तो रो भी पड़ी थी। हाँ फिर मुझे को हो गया ये वो। अब सुनो, अब असली में रुलाना है। हाँ व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, अब रुलाना है, जेब में डालो, क्योंकि ये ऐसी गलती है ना कि जिंदगी भर उसको याद रहे कि क्या वैल्यू है चीजों की। ये मानव चीजों से वैल्यू हम सिखा रहे हैं, हम ही गिरा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं अंदर और रिकॉर्ड करेंगे छुप छुप के उसके अंदर। उनको बोल रही बता दो, वो क्या बोल रही है? बाहर वाले कमरे से वो बोल रही है ड्राइवर है, जो गाड़ी पार्क करने गया ना, इससे हंसी आ रही है। क्या बोलते हैं? और रिंग भी दीदी की थी और ये था, वो तो किसके धरा गया था, पहले चुप तो रहे, मौत तो बंद करा पड़ा कुछ मुंह बंद करा अपना। हमारे समय रखता कौन है? दिन उधर देखा कान का, उधर पड़ा था, कान का भी पड़ा ही था पूरे दिन सर। हां आंटी तो कुछ भी बोल रही है, कैमरा चेक करा लो, मतलब तो तुम्हें क्या मजाक करने की जरूरत पड़ी है? ये क्या अच्छी बात है तुम लोगों को? तो वैसे भी भूल ही गई थी पर्स, मैं नहीं भूलती, मेरे को आगे उठते ही याद आया कि हमने कम से कम पर्स तो बचा लिया, वो पर्स भी चला जाता, भी चला जाता वो टाइम, गोल्ड और वो तो गया। मेरा आधार कार्ड निकाल ले भैया पहले, कहां है? है ना मेरा आधार कार्ड, ये मेरे को आतंकवादी घोषित करवा दे। हां और अच्छा कितने कितने की चीज थी पूरी? पैसे तो मिल गए हैं, 50,000 की होगी कम से कम। देख पैसे मिल गए क्योंकि चेन थोड़ी सी खुली थी तो साइड से पैसे बच गए। ठीक है, ऐसा तो खेलने वाला नहीं है ना, उलट पे
पूरा जब तक जिम नहीं खुला रहेगा तो पैसा नहीं है। जो गलत है तो गलत है, और छोटा चीज ना गिर जाता है। ऊपर से इसको इतना सा वो भी नहीं है, गिल्ट नहीं है। उल्टा मुझे बोल रही है जैसे कि मैंने की गई थी गोल्ड और मैंने खोया है। नाटका वाला बना के लेके आए आंटी आ रही है इनको। क्या सोचा क्या सोचा वो नहीं बोल रही वो आया दादा यार मतलब परसों दरबार का खाना हमें पड़ेगा 60,000 का 50,000 का ना बोल रही है 50-60 का होगा रिंग सेटिंग है 60 का होगा ले और जो बिल पे किया 10,000 वो अलग 60-70 का खाना 70 का खाना हो गया भाई 70,000 में। ओए है गाइस ये रो रही है बेचारी बच्ची और नहीं पड़ी हुई है दो तीन लिपस्टिक मिली है पूरा गोल्ड मिला है गाड़ी में भी मिली है देख अभी तेरे को लिपस्टिक भी आ रही है तीन लिपस्टिक मिली है। तो गाइस इस बात से आपको सीख मिलती है कि अपना सामान संभाल के रखें। हम ये समझाना चाह रहे हैं ही हुआ था पर्स में। कितना संभाला हुआ था माने मैं गाड़ी की एसी हवा खा रहा था अब तक इतना संभाला बंद दे चुकी हवा। कहां पे कौन सी साइड पड़ा था अरे मैंने अरे वो थोड़ी सी चेन भी खुली हुई मिली थी मेरे को। कोई नहीं चलो जो चेन खुली थी ना उससे पूरा सोना गया। इसी प्रैंक के साथ इसको प्रैंक को भी खत्म करते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं और इसी के साथ चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। हमें अपना सोना मिल गया और तुम भी सो जाइए हमें हमारा सोना मिल गया।